एक श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का भाट रहता था। वो कुल टोटल 16 सदस्य थे उसके घर में, पुत्र वधु, पुत्र पुत्रियां सब मिलकर 16 सदस्य थे। अपने आत्माओं, एक पिता एक माता अपने बच्चों के लिए कितनी दुखी होती है। एक भी कष्ट में कोई बालक हो जावे, चिंता में नींद नहीं आती। और हम जिस पिता के संतान हैं, पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व, पूरे ब्रह्मांड, चींटी से लेकर हाथी तक, हम सभी उस कबीर भगवान के, उस अमर पुरुष के बच्चे हैं। अब हम यहाँ कितने दुखी हैं। आप तो बालक हो, पता नहीं बालक कहते कितना चोट लगी रहो, वो उसको कष्ट नहीं मानता, रोता अवश्य है और फिर भी गलती करने में पीछा नहीं देखता, क्योंकि उसको ज्ञान इतना ही है। तो वो परमात्मा कितना दयालु है। अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूर पर रास्ते में, जिधर वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था, वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गए भगवान। एक साधु रूप बनाकर बैठ गए, ऋषि रूप में रहते ही थे। और उनसे ऋषि के दर्शन हुए, चंद्र विजय भाट ने प्रणाम किया। प्रणाम करके पहले तो चला गया, घूम फिर के आया, आते समय कहने लगा, भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, दर्शन दो दाता। अब वो तो गए इसीलिए थे, करे करावे साइयां मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। परमात्मा बोले, भाई चलो आगे घर पे। वहाँ कुछ देर डिस्कस हुई, उनकी आपस में चर्चा हुई, परमात्मा से ज्ञान सुना उसने कि कहा जी भगवान को चर्चा सुनाओ। तो परमात्मा ने सारी कथा कहानी का सृष्टि रचना सुनाई, काफ़ी ज्ञान दिया। तो वो बड़े प्रभावित हुआ, कहने लगा, भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, वहाँ चलिए, और वहाँ पर आपके और भी बच्चे हैं, वह भी आपके ज्ञान का लाभ उठाएंगे। परमात्मा तो गए उसी उद्देश्य थे, घर चले गए, आसन दिया, अलग से बैठाया मालिक को, सोच कपड़े बिछा के, और फिर सत्संग सुनाया। अब उस समय तो केवल एक व्यक्ति ने नाम लिया, चंद्र विजय ने, बाकी परिवार कहने लगा नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता इनकी ये बातें, ये तो शंकर भगवान से भी ऊपर बताते हैं। क्योंकि श्रीलंका का राजा रावण जो है, भगवान शंकर से अतिरिक्त किसी की पूजा ना करता था, तो उसको देखा देखी पूरा श्रीलंका भी शिव का ही पुजारी हो गया था। तो इस बात को उनको पहले स्वीकार नहीं हुआ, फिर वो चले गए भगवान वहाँ से। पीछे से उस चंद्र विजय भाट ने अपने पूरे परिवार को बैठा बैठा के बहुत अच्छी तरह समझाया, तो उन सब का मन बन गया। तो परमात्मा फिर वहाँ पहुँच गए। अब उन सभी पूरे परिवार ने नाम ले लिया, और जो मालिक ज्ञान सुनाया करता था, ये तो ज्ञान ऐसा है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता मैं सबको सुना दूँ, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, ऐसा अनमोल ज्ञान देखा ना सुना। अपनात्मा वो चंद्र विजय भाट जो था, वो रावण के पास जाता था, उसको चुटकले चटकले सुना के, उनकी महिमा महिमा गा के, और ये भाट लोग उनका एक मनोरंजन कराया करते थे। और उधर से उसकी पत्नी जो थी, वो कर्मवती नाम था उसका, वो जाती थी रावण की पत्नी मंदोदरी के पास, वो उसको चुटकले सुनाती थी, अच्छे बुंडे, इस मन की आदत है, ये राम की कथा कम और काम की कथा ज़्यादा सुनना चाहता है, सेक्स की। तो पहले तो वो बकवास सुनाया करती थी, पता नहीं के मंदोदरी भी हंसा करती, दांदरे काटा करती हैं चुटकले सुन सुन के। तो फिर जब उस कर्मवती को, चंद्र विजय भाट की पत्नी को, उस बेटी बहन को मालिक का ज्ञान हुआ, सब बकवाद छूट गई। कहते हैं भवन चतुर्दश ढूंढिए वो परम स्नेही साथ, जिन मिलते हैं सुख उपज, मिटे कोट उपहाद, ये बकवाद मिट जाती है सारी जीव की। तो वहाँ अब वो कर्मवती पहले तो बकवाद सुनाया करती, फिर मंदोदरी ने जब टाइम होता उसको बैठा लेती कि महारानी हमारे घर पे महाराज आते हैं, हमारे गुरुजी, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं कथा, अख सुनाओ। मंदोदरी भगवान को चाहने वाली थी, तो वो मंदोदरी को जो कथाएं सुनाई परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की, मंदोदरी कहने लगी कि कर्मवती तू तो बड़ी मुँह फाड़ थी, तेरी इस पात्र में
नरा गोबर भरा था, गंध उगला करती थी, ये अमृत किसने डाल दिया? तू ऐसी ऐसी बातें कहाँ से सुने आई, तुमने कदे देखी ना सुनी। तो उसने बताया कि हमारे गुरु जी आते हैं, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया मंदोदरी। तो मंदोदरी बहुत प्रभावित हुई कि इसे संत के ऋषि के दर्शन करने चाहिए। उसने कहा मंदोदरी इब कह तेरे गुरु जी आवन है तो मेरे पास बुला के लेंगे। अब परमात्मा फिर गए तो उस चंद्र विजय की पत्नी ने कहा प्रभु हमारी रानी आपको याद करती है, मैंने आपके द्वारा सुना हुआ ज्ञान उनको सुनाया, बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि अपने गुरु जी को यहाँ बुला के लाना। परमात्मा ने कहा बेटा हम किसी राजा के घर नहीं जाते, उनको गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी, साधु संत नहीं जा कर दे ऐसे व्यक्ति के घर जब तक वो हमारे विचारों से परिचित नहीं होते। अब वो कर्मवती फंस गई धर्म संकट में कि यदि मेरे गुरु जी नहीं गए तो वह मैंने सजा दिवा दे मनमाना मंदोदरी, परमात्मा त्रियामी जान गए, अब बेटी तो बहुत दुखी होगी। उसने कहा बेटा ऐसे कहना उसको कि देखो ऋषि महर्षियों को संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाया करते, अब बाई ऑर्डर बुलाने से वो आ भी गए रजा नहीं बख्शेंगे तो लाभ क्या होगा, तो साधु संतों के पास जाने से बहुत लाभ होता है, स्वयं जाना चाहिए। तो मंदोदरी को जाकर के उसने कहा रानी मैंने अर्ज करी थी गुरुदेव से, उन्होंने मना कर दिया आपके यहाँ आने से और कहा कि देखो साधु संतों को आदेश से नहीं बुलाना चाहिए, उनके चरणों में जाना चाहिए, लाभ उठाना है, और यदि बाई ऑर्डर बुला भी लिया तो लाभ नहीं देंगे। मंदोदरी कहने लगी बहन ठीक है मैं चलती हूँ, अब के तेरे गुरु जी आओ तो मुझे मिलाना। परमात्मा फिर गए, ये तो भटक रहे हैं एक आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए, सुखी करने के लिए, यहाँ भी सुखी करेंगे आपको और यहाँ से चलोगे जब देखना सतलोक में ले जाएंगे, वहाँ तो कहना है क्या कितना सुख देंगे। अब क्या हुआ मंदोदरी चली गई, परमात्मा के दर्शन किए, देखते ही आत्मा खिंच गई, पुण्यात्मा थी, पिछली संस्कारी थी, परमात्मा की बच्ची, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई मालिक के वचनों से और कहा परमेश्वर मुझे नाम दे दो, परमात्मा ने दीक्षा दी थी। अब मंदोदरी ने जो ज्ञान सुना था उसने चाहा कि अपने पति को समझा दूँ, जो नरे बकरे खावे, नरे झोटे खावे, मांस खावे, दारू पीवे और भगत कवावे ब्राह्मण, इसने तो कर्म बिगाड़ दिए, क्यों ज्ञान से ज्ञान हुआ भगवान के तत्व ज्ञान से। तो मंदोदरी ने चेष्टा की समझाने की अपने पति रावण को कि आप जो साधना कर रहे हो ये तमोगुण भगवान शिव हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब वो इस बात से दुखी हो गया कि मंदोदरी तू ऐसी बातें मत कर, मैंने भगवान शंकर के यहाँ से शीश काट कर चढ़ा दिए, इन्होंने मेरा वापस शीश दे दिया और मेरे को कितना धन दे दिया, सिद्धि दे दी, मेरे को 1,00,000 पुत्र व्रत दे दिए और मेरा पुत्र मेघनाद ऐसा है ऊपर चला गया, इंद्र को भी जीत लिया, हर मैं एक भिखारी के आगे हाथ जोड़ूंगा जाके। मंदोदरी ने बहुत समझाया कि रावण गलत बोल रहे हो आप, आपने संत की महिमा से अपरिचित नहीं हो इस कर कैसे बोल रहे हैं। तो आखिर में रावण ने ये कह दिया कि मेरे को आगे से ये मत कहना, मैं तुझे मना नहीं करता, तू कितना दान कर धर्म कर किसी गुरु से उपदेश रख। अब कहते हैं लड़की अपने पति को हमेशा जीवित देखना चाहती है। उधर से क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जैसे विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्मे थे, विवाह हुआ सीता जी के साथ, विवाह होने के कुछ समय उपरांत उनका वनवास हुआ, वो वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, वहाँ से सीता जी का अपहरण कर ले गया रावण। अब परमात्मा ने कबीर परमेश्वर जी यानी मुनिंद्र जी ने मंदोदरी को समझाया बेटी इसने तो अपनी सात मोल ले ली, इसने अपना जो है ना मौत ले आई अपनी, और कह दे इसको इसने भाई इज्जत वापस दे दे इसको, सिंपल वो मैं ना समझे, ये देवी है और देवी को सताना महापाप है, इसको वापस पहुंचा दे, इसकी इसी में खैर है।
औरत वैसे ही देख कर राजी नहीं होती किसी दूसरी औरत को, फिर भी उसने जब ये पता चला कि मेरे पति की जान संकट में आवेगी, क्योंकि संत जो कहते वो सत मानती थी, ये महापुरुष हैं, झूठ नहीं बोलते, इन्हें क्या लेना देना है, ये कोई रामचंद्र से मिले नहीं या किसी और को जानते नहीं, सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं। वह बहुत प्रभावित हुई, रावण को समझाने की बहुत चेष्टा की तो नहीं माना। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, बीच में एक प्रकरण रह गया। अब रावण तो सुने नहीं था, और यू ज्ञान ऐसा है आदमी हजम कर नहीं सकता अकेला, जो यू ज्ञान आपको सुनेगा दास बता रहा भगवान का दिया हुआ कबीर साहब का, तो उसकी ये नीयत रहती है बताऊं जरूर किसी तरह, चाहे कोई सुने चाहे ना सुना। तो रावण ने सुनना बंद कर दिया, उसका देवर था विभीषण मंदोदरी, उसको लगी समझाने। पहले तो दोनों भाई बैठे थे, रावण को समझावा थी, रावण नहीं मानना, तो विभीषण कहने लगा मुझे बता तू ये बात, मन तो बहुत अच्छी लगे, ये आपकी पहली बार सुन रहा हूँ लेकिन फिर भी हृदय में समाती है। तो मंदोदरी ने उनको खूब समझाया, फिर कहा कि अब क्या बने, कि दीक्षा ले, अब नाम ले गुरु जी से, कि चल नाम दिवा मेरे को। मंदोदरी अपने देवर को लेगी और नाम दिलवाया परमात्मा थे। अब उस ज्ञान से वो विभीषण भी परिपूर्ण हो गया। अब क्या होता है, रावण नहीं मान रहा था, सीता को लौटाने को नहीं राजी हो रहा था, मंदोदरी ने बहुत कुछ समझा लिया था, उधर भी विभीषण ने भी उसको बहुत कुछ समझाया, रावण तेरे घर में कितनी अच्छी औरत है, हैं, और फिर भी तू बकवाद की तरफ चल रहा, क्यों भाई भाई को कह सकता है जब उसकी कोई संकट आपत्ति उसके सामने दिखाई देती है, नहीं तो रावण को कौन बोला, वो तो अहंकारी आदमी था, एक मिनट में तलवार गर्दन पर जाती थी उसकी, कोई उसके नो कर दे किसी बात ने, तो रावण नहीं माना। रावण कहने लगा तू कायर है और तेरे बस की बात नहीं, बैठ जाए एक तरफ। अब मंदोदरी ने देखा कि ये नहीं मानेगा और ये मरेगा और मैं विधवा हो जाऊंगी, अपने गुरु जी से प्रार्थना की भगवान आप दया कर दो, कभी समझा दो एक बार, मान जाते वो ताप की बात को। परमात्मा ने कहा बेटा ये नहीं मानने वाला, इसके अंदर वो गुण नहीं है। तब मंदोदरी ने कहा भगवान एक बार आप उनको समझाने की चेष्टा करो दाता, और यदि वो नहीं मानेगा तो मैं अपने आप को आज से विधवा मान लूंगी, मन दुख नहीं आओगा परमात्मा इसके मरने का। तो परमात्मा ने सोची या बोड़ी बेटी, अब ये जुगाड़ जोड़ रखे हैं काल ने हमारे, कितना नालायक एक नंबर का दुष्ट व्यक्ति वो रावण का आदमी के ऊपर खावे, क्योंकि हम उनके शरीरों से परिचित नहीं, उनकी हाइट से परिचित नहीं, उनके आहार से परिचित नहीं, ये तो हमने देखे 61वां वर्ष चल रहा दास का, जब हम छोटे छोटे थे इसे टुकड़े टुकड़े आदमी देखे, अरनों का करते ही 32 लड्डू खा जाता है एक, 32 32 आदमी खाओ 32 लड्डू आज के दिन, और उनके बदजमी हो जाए, और एक एक धड़ी खीर खा जाया करते ये ब्राह्मण हमने देखे, यानी 5-5 किलो हरी वे कटोरी ना उठे। तो इस बात से भूल जाओ, तो कहने का भाव ये हम उस सती थी बातें की इतने कुक्रम कर डेली, उसके बुद्धि में कहाँ आवे ये बातें। तो परमात्मा ने सोचा या बेटी इसका बंदगी या इसकी कमजोरी इसको मारेगी, तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटी मैं जाता हूँ एक दिन, कोशिश करूँगा तेरी श्रद्धा ना टूट जाए भगवान ते। इसलिए अब रावण की सभा लगी हुई थी, और जिस समय उसकी मीटिंग होती थी स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता था कि बाहर से चिड़िया भी नहीं आ जाए अंदर, उस समय परमात्मा वहाँ जाकर प्रकट हो गए पहरेदारों के पास खड़े हुए, कहा भी राजा को संदेशा दो कि ऋषि मुनिंदर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ आपको शिक्षा देना चाहते हैं। अब वो कहने लगे पहरेदार महाराज जी हमें बख्शो, इधर आज कोई जा नहीं सकता, अंदर का आदेश बाहर जा सकता है, बाहर का आदेश भी हम अंदर देने नहीं जा सकते, हमारा राजा बहुत खतरनाक है गर्दन काट देगा। परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए, जहाँ रावण बैठा था ऊंची स्टेज पे और नीचे उनके बैठे थे सपसलार कुर्सियों पे, उसके थोड़ी सी दूरी पर अंदर जाता हुआ देखा
ऋषि देखकर वो एकदम चकित हुआ कि ये व्यक्ति अंदर कैसे आ गया। हमारी गुप्त मीटिंग चल रही थी, तो उसने आव देखा ना ताव देखा, वो तलवार निकाली कि तू अंदर कैसे आ गया। अब उसने क्रोध में 70 वार किए थे तलवार के परमात्मा को काटने के लिए, और कबीर परमेश्वर अर्थात मुनिंदर जी के हाथ में एक सींख थी झाड़ू की। ये झाड़ू होता उसकी सींख एक ले रखी थी दाता ने, और जब वो तलवार मारे तो वह सींख अड़ा दे थे। वो सींख के ऐसे लगे थी वह तलवार उसकी जैसे लोहे के खंभे के लग गया, कट्टा कट कट्टा कट हुआ। अब जब 70 बार उसने अंधा दू जब रावण के पसीने आ लिए, जब वो थक के खड़ा हो गया, कहने लगा तू अंदर कैसे आ गया। परमात्मा बोले तेरे ब्याह सींख तक कटी नहीं, तू मुझे मारेगा। तब उसने पूछा कि तू, रावण बोला उनको बुलाओ पहरेदारों को, उनको कत्ल करूंगा। परमात्मा बोले उनका दोष नहीं है, उन्होंने तो मुझे मना कर दिया था संदेश भी देने के लिए। फिर परमात्मा से पूछा रावण ने तू आया कैसे अंदर, कि ऐसे आ गया अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रकट हो गए, रावण के सामने से एकदम अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रकट हो गए कि मैं उनको आता दिखाई नहीं दिया, मैं ऐसे आ गया। अब वो दुष्ट आत्मा फिर बिना समझाइयो कौन है तेरे सामने, कहने लगा देख तू जा यहाँ से, तू आया किस लिए है बता, तेरी बात क्या है। तो परमात्मा ने कहा कि रावण तेरा जो है अंतिम समय आ लिया है, और मेरे आदेश का पालन करके जब तू इस लड़की को वापस दे देगा सीता को, इस देवी को, तो तेरी जीवन को मैं बदल दूंगा, इन बुराइयां तेने छोड़नी पड़ेंगी। वो कहने लगा तेरे जैसे शिक्षक मेरे पास बहुत आ लिए, मैं शिक्षा बिना नहीं हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ विद्वान पुरुष हूँ, और तू एक भिखारी ऋषि मुझे क्या शिक्षा देता, मैं तेरी बात न मानू को। अब रावण की तो वो स्थिति हो चुकी थी, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुए भांग पड़ी। एक बूढ़ा व्यक्ति शराब पिए खड़ा था और न्यू अल्लाह उसका डोगा गिर गया जमीन पे, वो डंडा ले रखा था वो गिर गया। एक जेंटलमैन आया, वो कहने लगा बुजुर्ग ताऊ जी तू यह शराब क्यों पिया करो आप, देख सारा शरीर कांप रहा आपका और डोगा भी ना उठता। न्यू बोला रे डोगा दे दे, तो कहने लगा शराब ना पिया करे। न्यू बोला रे शिक्षा बिना ना रह रहा, तेने देना होता दे डोगा ना, जा तू अपना काम करे। न्यू बोला तेरे प्रवचनों बिना कच्चा ना रह रहा, तेरे कैसे बहुत मिल लिया, मैंने ये बात कहनी है दारू ना पिया करे, तेने जो डोगा पकड़ाना हो तो उठा देना, चल तू अपना काम करे। तो रावण ने तो भाई इतनी पी रखी थी इस काल की भांग, परमात्मा से कहा कि तेरी बात मानू ना कति, तू जा चाहे मत जा, किन्नू देख लिया मारे तो मरता ना, सारे कुकर्म करके देख लिए और फिर भी नूना माना ये कौन है। तो परमात्मा कहते हैं आपको इस काल ने अंधा कर दिया, इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। और उस मीटिंग में विभीषण भी उपस्थित था, परमात्मा आगे वहां से चले गए। शाम के समय विभीषण घर पे आया, अपनी भाभी से कहा कि आज तो गुरुजी को मार दिया होता भाई ने। तो मंदोदरी कहने लगी ये इस संकट में मैंने ही गुरुदेव को डाल दिया नालायक ने, और मेरी प्रार्थना पर वहां गए हैं, क्या हुआ कैसे ऐसे एकदम कितने क्रोधित हो गए, स्टेज से कूद कर स्वयं तलवार मारने लगे। गुरुजी के हाथ में एक सींख थी, वह सींख भी ना कटी, जब थक के बैठ गया, परमात्मा ने कुछ कहना चाहा मान्या नहीं, तो भगवान वहां से आ गए।
अपुण्यात्माओं, जो हमारा पिता है उसकी तो मैं खबर भी नहीं, जो हमारे लिए दुख पा रहा है, भटक रहा है, एक एक प्राणी को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, अपनी शरण में लेकर यहाँ भी सुखी करने के लिए, और हम उनको पूज रहे हैं जो हमें ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, क्योंकि देवता हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे प्रारब्ध को परिवर्तित भी नहीं कर सकते और ये दुख दे नहीं सकते, क्योंकि ये देवता हैं, अच्छी आत्माएं हैं, तो हम इनको पूज रहे थे। तो पुण्यात्माओं, मंदोदरी कहने लगी गुरुदेव के पास जब परमात्मा से मिलने गई और कहा, भगवान अक्षमा करना मुझ दासी को, मेरे कारण आपने बहुत ऊंच नीच सुनना पड़ा दाता, मेरा पति का मुँह था वो मुझे सता रहा था, अब दाता वो बेसिक मर जा, मेरी ओर से आज मर लिया, वो मरियो से जिंता रहियो, दाता अपने चरणों से दूर ना करना अपनी बच्ची को। तो परमात्मा, ठीक है बेटा, कहा तू भक्ति कर, या कोई किसी का ना है, आजकल मृत्यु हो जा, कौन किसका ठेकेदार है पता नहीं, इसका जन्म की तो होगा, तेरा कहाँ होगा, ठीक है जब तक आपका संयोग है, एक नेक नीति से निभाओ, परमात्मा से डर कर रहो, जो जिसका भूमिका है, पति की है पति वाला रोल करे, पत्नी का है पत्नी वाला करे, बेटे का है बेटे वाली भूमिका ठीक निभानी चाहिए, तभी आप सुपात्र कहलाओगे, नहीं तो आप फेल हो जाओ। अब क्या हुआ, उधर से रावण को संदेश मिले, लेकिन रावण नहीं माना श्री रामचंद्र जी के, संदेश वाहक दूत वहां गए, श्री अंगद जी, श्री हनुमान जी आदि आदि, लेकिन वो नहीं माना। कहने का भाव ये है कि युद्ध की, तो कहते हैं उनके इतिहास में लिखा है जीवनी में कि 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी ने घुटनों जल में खड़ा होकर समुद्र के अंदर और प्रार्थना की थी कि हे जलधि, हे समुद्र राज, मुझे सैनिक आपके भक्त हैं, क्योंकि उस समय आसपास के सारे ही भगत सारे इकट्ठे हो गए थे रामचंद्र जी के गेला, भाई इस आपत्ति आ गई और एक निकम्मा आदमी उसकी पत्नी ठा ले गया, उधर से शिवलोक से भी काफ़ी गण आए थे, भगवान शिव ने भेजे थे, तो वह बहुत इकट्ठे हो गए थे, तो नल और नील को बुलाया गया। नल और नील से श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई एक पर आपकी परीक्षा दो तुम, समुद्र ने ये बताया कि इनके गुरु जी के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है इनका, और उनके आशीर्वाद से मेरे ऊपर ये कोई भी वस्तु रखते हैं वो डूबती नहीं, वहाँ से टस से मस नहीं होगी, वहीं रहेगी, तो मेरे ऊपर वजन नहीं बनेगा इसका। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा भी एक बार ट्राई दिखाओ तुम, अब देखो हम ऐसे मार खाते हैं, पहले तो नल और नील 100-100 शुक्र मनाया करते अपने मुनिंद्र भगवान के, और उस दिन वो अंडी पा के गए, अभिमान हो गया उनको कि यदि आज हम गुरु जी को याद करेंगे, जंत्र मंत्र प्रणाम करते हैं जैसे याद करने के लिए, तो ये न सोचेंगे उपस्थित जन ये कहीं और से शक्ति प्राप्त करते हैं, इनके अंदर कोई पावर नहीं। अब उन्होंने दोनों ने फटाफट उठाया एक एक पत्थर और रख दिया समुद्र पर, डूब गया, उनको भी अचंभा हुआ, उन्हें फिर दूसरा उठाया वो भी डूब गया, तीसरा रखा वो भी डूब गया। अब ये एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी कहने लगे समुद्र से, वो जो ब्राह्मण रूप में उपस्थित था, मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा था, तो ब्राह्मण रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा कि भगवान आज इनने कोई गलती कर दी, क्यों भाई तुमने अपने गुरु जी को याद नहीं किया, आज दिखे ये अभिमान में आगे, इसलिए इनके हाथ से वो पावर चली गई दिखे, वो तो अपना एस्टीमेट बतावा था और वह सचमुच ऐसा ही हो गया था। अब उन दोनों ने फिर अक्षमा याचना की, गुरु जी को याद किया, हे दाता दया करो, हमसे गलती होगी, माफ करो, हम तो पापी आत्मा है। वो डर गए न्यू अकदे, फिर वो आपत्ति फिर ना आ जा तुम्हारे पे, और तुमने कर दी गलती आज ज्यादा, अब
मान बढ़ाई की भूख में। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि यदि तुम ऐसे मर्यादा तोड़ दोगे भक्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छन होए, ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को माता को बहुत वर्षों के बाद कोई गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी चिंतित होती है उस बालक को परिपूर्ण करने के लिए, कहीं ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, चलते समय भी बहुत सावधानी बरतती है और रात के समय करवट बदलते समय भी वो बहुत चिंतित रहती है कहीं मेरे बालक पर जोर ना आ गया, एकदम उदड़क के पड़ती है और देखती है दर्द पीड़ा तो नहीं होगी मुझे। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो उनकी भक्ति नसगी, खत्म हो गई। रोए पीटे याद किया भगवान को, वो तो मालिक ने करना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र विष्णु अवतार और श्री कृष्ण भी विष्णु अवतार, और विष्णु कौन, ये भी भगवान का बच्चा। आप जैसी आत्मा पुनकर्मी प्राणी पोस्ट ये मिल गई इसको, जैसे आप किसी का भाई मंत्री बन जाता है तो भाई ही उसका, वैसे को कितनी पोस्ट पे बैठा है, तो ऐसे ही ये आपके ही भाई हैं, उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो उनके दुख का निवारण भी वही परमात्मा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता।